हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा गार्गी पुरस्कार के बारे में। गार्गी पुरस्कार 2020, राजस्थान सरकार ने इस बार ये डिसाइड किया है कि गार्गी पुरस्कार 2020 है वो ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे rajramsa.nic.in साइट के ऊपर जाकर के, और शाला दर्पण के माध्यम से ये फॉर्म है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन का अभी कोई शुरू नहीं हुआ है कि ऑनलाइन अभी कब तक उसकी डेट है, लास्ट डेट या कब तक ऑनलाइन सबमिट करना है, उसका कोई अभी कोई ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। शाला दर्पण पर मैं चेक करता रहता हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक ऑनलाइन का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तब तक आप ऑफलाइन फॉर्म जो है वो साइट से डाउनलोड करके और उस फॉर्म को आप भर करके और अपने विद्यालय के अंदर जमा करा दें। तो यदि ऑनलाइन वो ना भी लेंगे तो ऑफलाइन आपका विद्यालय के अंदर फॉर्म होगा। तो जैसे ही डेट आएगी, ये 29 जनवरी को गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये पुरस्कार दिए जाएंगे, गार्गी पुरस्कार 2020। तो ये पुरस्कार 10th क्लास के अंदर जिसके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं जिन गर्ल्स के, उनको दिया जाएगा, और 12th क्लास के अंदर जिन गर्ल्स के 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनको भी दिया जाएगा। तो जो इस बार गर्ल्स जो है 11th के अंदर हैं और जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स उन्होंने लिए हैं 10th के अंदर, वो इसको सबमिट कर सकते हैं। और जो आगे 12th कर लिए जिन्होंने, जिन गर्ल्स ने, वो 75 से अबाव यदि मार्क्स उनके हैं तो वो इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और इसके साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगा करके आपको इसको अपने विद्यालय के अंदर सबमिट करना है जहाँ से आपने बोर्ड की क्लास है वो उत्तीर्ण की थी, तो उस विद्यालय के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप गूगल ब्राउज़र, आपके पास जो भी ब्राउज़र है उसको आप ओपन कर लेंगे जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में आप इस ब्राउज़र के अंदर एक साइट लगाएंगे, rajramsa.nic.in, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। इस साइट के ऊपर आप जाएंगे फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप इस साइट के ऊपर जाएंगे आपको शाला दर्पण का लॉगिन है वो मिल जाएगा। और शाला दर्पण के लॉगिन के ऊपर थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए समग्र शिक्षा लिखा हुआ है, तो समग्र शिक्षा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, समग्र शिक्षा का RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का ये एक साइट खुलेगी। तो इसके ऊपर इधर देखिए लेफ्ट राइट साइड के अंदर तीन लाइनें आपको दिखाई दे रही है, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शंस के अंदर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में देखिए नीचे फॉर्म योजनाएं दिया हुआ है, तो फॉर्म योजनाएं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फॉर्म योजनाओं के अंदर गार्गी पुरस्कार का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, PDF फाइल है ये, तो यहाँ से इसको ओपन पे क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये डाउनलोड होकर के इसमें खुल जाएगा, ये फॉर्म होगा देखिए फ्रेंड्स 2020 गार्गी पुरस्कार का, जिसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे ज़िला है, सबसे पहले आप यहाँ पे इस जगह पे ज़िले का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपकी पंचायत समिति का नाम लिखेंगे, फिर छात्रा का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, किस श्रेणी की छात्रा है, OBC SC ST जो भी हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उस विद्यालय का नाम जहाँ से उसने 10वीं या 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है, वो विद्यालय राजकीय था या अराजकीय प्राइवेट था तो अराजकीय वो आपको यहाँ पे लिखना है, और वर्तमान में जिस संस्था के अंदर अध्ययन कर रही है वो छात्रा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में कक्षा 10 या 12 जो भी उसने उत्तीर्ण की है उसके रोल नंबर, कौन से वर्ष में उत्तीर्ण की थी, कितने मार्क्स उसको मिले और कितने प्रतिशत मार्क्स हैं उसके हुए थे, वो यहाँ पे प्रतिशत आ जाएंगे। उसके बाद में अपना यहाँ पे इस जगह पे पूरा एड्रेस लिखना है, अपना पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है जहाँ पे आपसे पत्र व्यवहार किया जा सकते। उसके बाद में छात्रा के हस्ताक्षर इस साइड के अंदर, यहाँ पे छात्रा अपने हस्ताक्षर करेगी। उसके बाद में जिस विद्यालय से 10th क्लास या 12th क्लास उत्तीर्ण की है उस विद्यालय के संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे, इस विद्यालय की कक्षा कौन सी थी वो लिखेंगे, और इस जगह पे नीचे संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और वहाँ की सील जो है वो यहाँ पे लगानी है, और ये रसीद जो वो आपको देंगे वो आप रसीद ले करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये जो फॉर्म है
गार्गी पुरस्कार का फॉर्म 2020 का, ये आपको ऑफलाइन यहाँ से जैसे प्रक्रिया मैंने आपको बताई है डाउनलोड करके आप इसको भर करके अपने विद्यालय के अंदर जमा करवा दें, और हो सके तो इसके साथ 10th क्लास की या 12th क्लास की जो भी आपने पास की है उसकी आप एक मार्कशीट भी इसके साथ में लगा सकते हैं, मार्कशीट की फोटोकॉपी आप इसके साथ में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था गार्गी पुरस्कार के बारे में, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आप इस पर ध्यान देंगे इस फॉर्म पर। थैंक यू।